लुक एट द व्यू। आप लोग देखो, मुझे तो सड़क देखनी है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमर्ग। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:38 हो रहे हैं। रात को यार ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब हमारे वहाँ कोलकाता में जैसा पड़ता है ठंड, मतलब वैसी ठंड थी, तो वो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। अभी तो मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा, मतलब कोई सिग्नल नहीं आ रहा, तो मैं बता नहीं सकता आपको तो टेम्परेचर कितना है। बाहर का नज़ारा देखो, वहाँ पे आपको दूर दिख रही है जो ट्रक दिख रही है, ट्रक के उस तरफ लोग कैंपिंग कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई परमिशन नहीं चाहिए आपको कैंप करने के लिए, अब वहाँ पे भी कैंप लगाया हुआ है। आप सिर्फ अपना टेंट लाओ और मस्त मजे से कैंप करो। उधर बगल में नदी भी है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा उधर एक नदी बहती है, तो नदी के किनारे भी बहुत सारे लोग कैंप कर रहे हैं। तो सारा सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, अब सीधा चलना है। उधर बाइक थोड़ा दूर में रखा हुआ, बाइक लेके आएंगे, बाइक पे सारा सामान लगाएंगे और निकल पड़ेंगे लेह के लिए। लेह यहाँ से अराउंड 350 किलोमीटर दूर है। तो कल रात को बाइक वहाँ पे पार्क है, मुझे डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। वैसे यार सुबह सुबह क्या खूबसूरत लग रहा है। तो इसे इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन मीडो, दैट मीन्स सुनहरा घास। सो सीरियसली अभी सूरज की रोशनी जैसे इस पर पड़ रही है, सो वैसा ही फील आ रहा है। जस्ट एक बार वैली का नज़ारा देखो। अभी सबसे बड़ा चैलेंज, अभी गाड़ी स्टार्ट करनी है, हो जाए। भाई साहब मैं अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, यू वोंट बिलीव। मैं अभी पूरे रास्ते में ऐसे करते जा रहा हूँ। सीरियसली बहुत खूबसूरत है, आपको तो एक बार लाइफ में जरूर विजिट करना चाहिए, बाइक हो चाहे कार हो, वैसे बाइक से ही मजा आएगा। हाँ वैसे मैं एक बात बताने वाला हूँ कि अगर मान लो आप लद्दाख करना चाह रहे हो तो एक बार पहाड़ी इलाके का ना थोड़ा एक बार एक्सपीरियंस आपको ले लेना चाहिए। लाइक अगर ईस्ट साइड में हो जैसे इधर आपको दार्जिलिंग वार्जिलिंग एक बार कर लेना चाहिए, आपके पास अराकू वैली चाहे जो भी जगह हो आपको एक बार पहाड़ का एक्सपीरियंस ले लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ना रोड सडनली कैसे भी घूम जा रहा है, और देखो यहाँ पे ट्रक्स बहुत तेज तरीके से ट्रक्स आते हैं। ये देखो अगर आपकी सही प्रैक्टिस नहीं है और ऊपर से ये साइड में कोई गार्ड भी नहीं है, मतलब कोई रेलिंग नहीं है, तो अगर थोड़ी सी अगर आपसे चूक हुई तो भाई साहब जय श्री राम हो जाओगे। ये देखो बर्फ 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 बर्फ। सॉरी 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 मेरे एक्साइटमेंट के लिए सॉरी, कसम से बहुत मजा आ रहा है। देखो मैं बर्फ देख के ऐसा खुश हो रहा हूँ जैसे किसी छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे दिया जाता हूँ। क्या करूँ, कभी ना देखा हो तो ऐसा ही होता है। मैं तो भाई हाईली रिकमेंड करूंगा आपको, एक बार आके जिंदगी में देखो यहाँ पे। पर हाँ अच्छे से बाइक चलाने की प्रैक्टिस करके आना। देखो इन्हें देख लो, इन्हें देख लो, इन्हें देख लो, इन्हें देख लो। अबे पता ये नॉर्मल चीज है यहाँ पे। तेरा काजल कर गया पागल, हिप्नोटाइज करे जटनू, क्या बात है। नाउ द लद्दाख जर्नी हैज स्टार्टेड ब्रो। सड़कें खराब होना स्टार्ट हो गई हैं एज यूजुअल, जैसे लद्दाख में होती हैं। बट हमें क्या, अब प्रो। अरे नहीं यार, मतलब एक्चुअली ये खुद को कॉन्फिडेंस देना और कुछ ही नहीं है। जितना खूबसूरत नज़ारा है ना उतने खतरनाक यहाँ के सिनेरियोज हैं। रोड पे कोई गार्ड नहीं है, ट्रक वाले बेकाबू तरीके से चला रहे, मतलब बेकाबू नहीं बट काफ़ी तेज चला रहे, कार वाले तो उससे भी ज़्यादा तेज चला रहे। वैसे कार में तो ट्रैक्शन कंट्रोल होती है, बट क्या ट्रक में ट्रैक्शन कंट्रोल होती है अब ये नहीं पता। बट बहुत अच्छे तरीके से यार ट्रक वाले चलाते हैं। ओ ओ ओ अभी जाके अगर द्रास में मिले कोई मैकेनिक तो वहां पे मैं चेन टाइट कराऊंगा, बहुत ढीली हो चुकी है। 2100-2200 किलोमीटर रोज, मतलब 3 दिन में मैंने चलाया है, अब ये तो होना लाजमी है। Look at the view। आप लोग देखो, मुझे तो सड़क देखनी है। Oh man, क्या खूबसूरत है यार मेरा हिंदुस्तान, सबसे खूबसूरत सीरियसली।
यू ब्यूटी हिमालयाज, यू ब्यूटी। ओ भाई साहब, 10,000 फीट ऊपर आके ट्रैफिक जैम, मतलब लिटरली उस साइड में इतना जगह भी नहीं है कि ट्रक वाले उधर जा भी सके, बहुत कम स्पेस है उधर जाने का। वो आप वहाँ पीछे में देख सकते हो, वहाँ पे इतना कम स्पेस है कि वहाँ ट्रक वहाँ जा ही नहीं सकती है। सीरियसली निकल गए, उधर दो गाड़ियां और वेट कर रही है इधर से आने का, क्योंकि रास्ता पूरा नैरो, आप देख सकते हो एक ट्रक आने वाला सिर्फ रास्ता है, मतलब एक कार और उसका हाफ, यानी सिर्फ उसका डेढ़ गुना ही रास्ता है। ब्यूटी, कभी कभी खूबसूरती खतरनाक भी हो सकती है, ये उसका बेमिसाल नमूना, ब्यूटी कैन बी लीथल। और यहाँ पे सबसे बड़ा जद्दोजहद पता है क्या चल रहा है, क्लच प्लेट ना जले, क्लच प्लेट ना जले। कुछ रास्ते तो ऐसे जहाँ पे सिर्फ एक नंबर पे ही चलाना पड़ रहा है, और कुछ ऐसे कि सिर्फ दो नंबर पे, तो ये एक सबसे बड़ा पंगा है। और मेरी चेन भी ढीली हो चुकी है, तो थोड़ी डर लग रही है कि अगर चेन टूटी बस गए भाई साहब हम तो, समझो शायद यही रीजन है कि सब मुझे मना कर रहे थे कि अकेले लद्दाख ना जाओ, अकेले ना जाओ। भाई साहब ऐसे वाटर क्रॉस भी मैंने 3 क्रॉस किए, ओ बाबा, मैं साइड से जा सकता था पर मैं मिडिल से क्यों आया, आई डोंट नो। ये है मजे, ये है मजे लद्दाख के। मैं फिर से माफी चाहूंगा, अगर आपको मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा लग रही हो उसके लिए मुझे माफ करना, बट क्या करूं, ऐसे ही खुद को चार्ज्ड अप रखता हूं मैं राइड पे, और इन सब राइड्स पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे मैं अकेले हूं। लुक एट द व्यू, बर्फ 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 बर्फ, टायर टायर स्लिप ना करे, टायर स्लिप ना करे, क्योंकि सामने वाला ऑफ रोडिंग है, आई मीन ऑफ रोडिंग नहीं है, आ गया आ गया आ गया। ड्रीम गर्ल, एक शायर की गजल, ड्रीम गर्ल। तो सामने इधर एक चर्च है, एक मंदिर है, वाह यार खूबसूरत खूबसूरत। तो सामने मुझे कोई गांव टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पे भी चाय के लिए रुकेंगे। और एक सबसे अनोखी बात बताऊं, अभी कुल मैंने सिर्फ 22 किलोमीटर चला है लगभग एक घंटे में, ओ भाई साहब, और जाना है मुझे 350 किलोमीटर। ओ भाई साहब, बेहतरीन खूबसूरत जगह, पता नहीं जगह का नाम क्या है, आई थिंक पीछे मैंने जोजिला पास मैंने क्रॉस किया, तो इस रूट का जो सबसे खतरनाक रोड है वो मैंने क्रॉस किया। अब यहाँ पे जीरो पॉइंट, इसका नाम जीरो पॉइंट है, और सीरियसली बेहतरीन खूबसूरत जगह है, आपको तो विजिट करना चाहिए। और यहाँ पे मतलब क्या क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्नो मोबाइल पे आप घूम सकते हो, आप स्लेजिंग कर सकते हो, मतलब आप वो ऊपर जा सकते हो, वहाँ से आ सकते हो। ठंड काफ़ी ज़्यादा है, मतलब उतना नहीं है बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा हुआ कि मैंने सुबह मैंने इनर मैंने पहन लिया, वरना अभी भुगतना पड़ता मुझे। सो अभी चाय पी रहा हूँ, अभी मैगी खाऊंगा, क्योंकि मतलब मैंने तो ब्रेकफास्ट करके निकला नहीं, तो मैं सिर्फ चाय पी के ही मैंने निकला था। सो अभी ब्रेकफास्ट करूँगा, अभी मैगी खाऊँगा, और उसके बाद देखते हैं। अभी तो सिर्फ मैंने 22 किलोमीटर कंप्लीट किया है, और मुझे 300 किलोमीटर लगभग जाना है। तो भाई साहब यही है 60 रुपये की मैगी, यहाँ पर आके होटल बनाओ और करोड़ों में कमाओ। टेस्ट वही 10 रुपए वाली है। अरे भाई घुसेड़ों को क्या, चलो आपको एक अपडेट दे देता हूँ। अभी हम लोग 11,000 फीट के ऊपर है, हम लोग यानी मैं, हाँ मैं, मतलब आप कैमरे में देख रहे हो 11,000 फीट, बट अभी हम लोग
11,000 फीट के ऊपर हैं। तो ये अभी मैं कारगिल में हूँ और आप ये दीवार जो देख रहे हो ये बनाया गया था जब इंडिया पाकिस्तान का जब लड़ाई हो रहा था कारगिल में, जब कौन से साल में मुझे याद नहीं है। तो इस दीवार को बनाया गया था सिविलियंस को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी उस तरफ से गोलाबारी चला रही थी, मतलब गोलियाँ चला रही थी पहाड़ी के उस तरफ से, पहाड़ी के उस तरफ से। सो वहाँ से बचाने के लिए यहाँ के सिविलियंस को जो सड़क पर जो सुरक्षित रहे, तो ये आर्मी ने ये दीवार बनाई है, ये वाली। मतलब इस दीवार ने कितना कुछ झेला होगा सोचो। उस तरफ से पाकिस्तानी आर्मी चला रही थी गोलियां और इस तरफ हमारी इंडियन आर्मी डट के लड़े थे, वो लड़ाई हम जीत गए थे। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे न हारते। अब इसके बाद नहीं आती है गाना, बस इतना ही सब कहना है, जय हिंद। तो अभी कारगिल वॉर मेमोरियल के अंदर जा रहे, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा लद्दाख आने का एक सबसे बड़ा मकसद यही था कि मुझे ये वॉर मेमोरियल देखना है। मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई देखा हो तो बता दो मेरे को। और एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा सपना था मेरा यही आने का, लद्दाख आने का मेरा मेन मकसद ही है कि मैं कारगिल विजिट करूँ। और इससे खूबसूरत क्या हो सकता है कि हमारा नेशनल फ्लैग, मतलब बहुत सारा नेशनल फ्लैग, और उन सब के बीच से चल के जा रहे हैं, खूबसूरत है यार। तो ये जो आप देख रहे हो, जो कारगिल की लड़ाई में जितने हमारे जवान शहीद हुए थे उनके याद में, उनके सम्मान में इसे लगाया गया है। सो आसान नहीं है देश की रक्षा करना, सलाम है इन सभी को। वैसे मेरे मामा जी और मेरे नाना जी दोनों आर्मी में थे, मेरे मामा जी NSG में थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और वो राजीव गांधी के बॉडीगार्ड भी रह चुके हैं। और मेरे नाना जी आर्मी में थे और मेरे चाचा के लड़के वो एयरफोर्स में है। सो ये देशभक्ति हमारे परिवार में है। पाकिस्तान की बॉर्डर है, मतलब पाकिस्तानी आर्मी उधर तैनात है। कमाल है यार, यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात बोल के। क्या आप ये सोच सकते हो कि पाकिस्तान हम पे नजर रख रहा है, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, बट हमारे इंडियन आर्मी भी उधर तैनात है। कारगिल सिटी से 4 किलोमीटर पहले अभी रुका हूँ लंच के लिए, भूख लगी थी सो अभी आलू के पराठे खा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे और भी सारे बाइकर्स मिले हैं, दो भैया आ रहे हैं बैंगलोर से, एक के साथ एक्सीडेंट हो गया, वो RR 310 और डोमिनार पे आ रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया तो दोनों एक ही बाइक पे जा रहे हैं। ये उनका हेलमेट है, ज़रा देखो वो मुँह के बल गिरे थे, ये पूरा यहाँ पे स्क्रैच आ चुका है, और उनके उनके मतलब ये लेफ्ट वाले पैर का लिगामेंट भी फट चुका है, दैट मीन्स उनके पैर में बहुत पेन हो रहा है। जिनका एक्सीडेंट हुआ ये आज राइडिंग गियर था बोल के बच गए, ये यहाँ पे उनका लगा है और एक पैर में यहाँ पे लगा है। सीरियसली राइडिंग गियर क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। और बहुत लोग है विदाउट राइडिंग गियर के मतलब बाइक चलाते हैं, वैसा तो कभी ना करो। और वो देख लो अगर उनके पास अगर ये हेलमेट ना होता तो उनके चेहरे का क्या हाल हुआ रहता, तो समझे इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली ये सब जगह पे आ रही है, यहाँ पर भी मैंने बहुत लोगों को देखा जो लद्दाख आ रहे हैं कि उन्होंने जस्ट नॉर्मल ऐसे ही टी शर्ट पहने हुए और नॉर्मल हेलमेट पहन के आ गए। एक्चुअली हेलमेट ऐसा होना चाहिए जो आपको फिट हो, सही होना चाहिए। आज उसी का जो रीज़न है जिसके कारण भैया एकदम सेफ है और अभी भी राइड कर रहे हैं और ये बैंगलोर रिटर्न भी जाने वाले हैं, तो सलाम है यार इनको, सही है।
ये अलग ही दुनिया है सीरियसली। तो ये ऐसा मिराज क्रिएट कर रहा है जैसे लग रहा है कि वो पहाड़ मेरे साथ चल रहा है, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि वो पहाड़ मेरे साथ चल रहा है। क्या खूबसूरत नजारा यार। तो अभी सोलो आते आते अभी इस ग्रुप के साथ ऐड हो गया, ये लोग बैंगलोर से आ रहे हैं। तो भैया उधर डोमिनार पे हैं, ये ड्यूक 390 है, इधर ट्रैम का बोनविल T120 है, ट्रैम का टाइगर है इधर। सही है, बहुत अच्छे, यहाँ भी कुछ फोटोज खिंचाए। अभी हम लोग हैं मैग्नेटिक हिल पे और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि बोलते हैं कि अगर पहाड़ की जो चढ़ान है वहाँ पे अगर गाड़ी पीछे बंद कर रखो। तो बाय द वे अब से अगर मैं साउथ साइड का कोई राइड करूंगा तो किरण भाई प्रशांत भाई ने बोला मेरे को ज्वाइन करने, मतलब कॉल करूंगा इनको और उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान करेंगे वहाँ का। अगर किरण भाई बैंगलोर साइड में आते हैं तो भाई के साथ राइड करेंगे पक्का, एकदम भाई के साथ राइड करेंगे। सही। सो अभी निकल पड़े हैं ले के लिए। यहाँ पे भयंकर सैंड स्टॉर्म, मैं सैंड स्टॉर्म नहीं, हवा इतनी तेज है कि चारों तरफ धूल 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 उड़ रही है। वैसे आपको एक बात बताता हूँ, मैग्नेटिक हिल ऐसा देखो या तो कोई फिजिक्स का लॉ कोई झूठा नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऊपर की तरफ मतलब गाड़ी चढ़ती आप इंजन बंद कर दो तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्चुअली है मुद्दा ये कि सड़क है नीचे की तरफ बट सामने पहाड़ ऐसे तरीके से सेट है जैसे लगता है कि गाड़ी ऊपर चढ़ रही है बट वैसा कुछ नहीं है। सो इतना याद रखो, फिजिक्स के लॉ को कोई झूठा नहीं कर सकता। तो अभी 9:15 बज चुके हैं, यहाँ आते आते हमें टाइम लग गया क्योंकि मतलब यही प्रॉब्लम था ग्रुप राइड करने का, क्योंकि सबको अलग अलग तरीके का रूम चाहिए कि इसको क्या चाहिए बोल के ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम मिल गया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दो जने के पास एक्सपेंसिव बाइक है सो उसका पार्किंग ढूंढना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। सो अभी एक पार्किंग मिला, पता नहीं अचिन गेस्ट हाउस समथिंग बोल के ये होटल है, सो यहाँ पे आज रहना है और कल सुबह हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली कल परमिशन लेना है कि कहाँ के लिए, खारदुंगला के लिए और नूबरा वैली के लिए, तो कल जाकर परमिशन लेंगे। और अभी जा रहे बाहर डिनर करने और कुछ नहीं बोलना है, सच में बहुत टायर्ड है और दोनों भैया भी बहुत टायर्ड है पर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, राइडिंग का अपना ही मजा है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, अगर लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। सो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। अरे भैया अच्छा शॉट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है भाई साहब।